बीते कई महीनों से ट्रक चालक काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते आज सभी ट्रक धारकों ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी से मिलकर इस सभी समस्याओं को सुलझाने की मांग की है। आपको बता दें कि बीते 3 माह से ट्रक धारक और चालक बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी के फिटनेस का काम हो या फिर गाड़ी को नाम पर ट्रांसफर करना हो या फिर NOC हो, ऐसे कई काम नहीं होने से समस्याएं आ रही है, जिससे व्यवहार पर भी असर पड़ता है। ऐसे के मद्देनजर आज ट्रक धारकों ने RTO अधिकारी को सभी समस्याओं से अवगत किया है, जिसे लेकर RTO अधिकारी द्वारा जल्द से जल्द समस्या को हल करने का आश्वासन दिया गया है। नागपुर ट्रक यूनिटी के साथ में ग्रामीण RTO में पहुंचे अपने साथियों को लेके। पिछले 3 महीने से जो नवी गाड़ियों का RMA नहीं हो रहा था, फिटनेस नहीं हो रही थी, परमिट नहीं डल रहे थे और भी कई तरीकों की परेशानियों का सामना कर रहे थे ट्रक वाले। नवी गाड़ियां भी नहीं पास हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरा 3 महीने से ठप पड़ा है। पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय। अगर ट्रक चलते हैं तो ट्रक ड्राइवर कनेक्टर से लेकर फैक्ट्री वाले से RTO ढाबे वाला सबका पेट पलता है। पिछले 3 महीने से हमारा ट्रकों का पूरा चक्का जाम पड़ा है। हमारे को RTO ने भी आश्वासन दिया है कि सोमवार तक हम आपकी पूरी मांगे जो भी है लीगल तरीके से पूरी करेंगे। अगर ये हमारी मांगे और हमारे काम सोमवार तक व्यवस्थित नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन होगा। नागपुर से लेके पूरे बॉर्डरों का घेराव किया जाएगा और पूरे बॉर्डरों पे चक्का जाम किया जाएगा। ये RTO अपनी जो ड्राइवर लोग काम करने आते हैं, गाड़ी का काम करने आते हैं या कि दलाल ऑफिसर कैसे करते हैं सर? उनको जो ड्राइवर आदमी है उसको इतना हरासमेंट किया जाता है कि ड्राइवर की जैसे कोई औकात ही नहीं, जबकि ड्राइवर हमारा जैसे फौज के अंदर सैनिक होता है तो ड्राइवर भी एक हमारे भारत देश का सैनिक है, माल इधर से उधर ले जाता है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, अगर ड्राइवर ना होते तो पूरे देश के अंदर पूरा सबको पूरा व्यवसाय ठप पड़ गया था। यहाँ से लेके वहाँ तक अनाज गैस दूध सबकी पूर्ति ड्राइवर ने ही की है और ड्राइवर को उतना बनता मान सम्मान नहीं देते हैं ये लोग। ठीक, आपका नाम? गुरविंदर सिंह ढिल्लन, कुक्कू भैया के साथ में वाइस प्रेसिडेंट हूँ नागपुर ट्रक यूनिटी। सब भाई है भाई। भैया हम RTO में हमारे पूरे यूनियन वाले आए हुए हैं, नागपुर ट्रक यूनिटी अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ में मेरे पूरे भाई है और हम सब आए RTO के पास में। 3 महीने से हमको बहुत परेशानी चल रही थी, ना गाड़ी की फिटनेस हो रही थी, ना गाड़ी ट्रांसफर कर रहे थे, ना गाड़ी के NOC दे रहे थे, ना गाड़ी का आराम हो रहा था। हम उनके पास में 3-4 बार आए, ये सुन रहे नहीं थे। आज हमारी पूरी यूनियन यहाँ पे आई, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि जो भी आपका काम है हम काम करेंगे और उन्होंने 2-4 दिन का टाइम दिया है। तो क्या नाम है उनका? काठोड़े साहब ने हमारे को बोला है कि भाई आप बिल्कुल शांत रहो, मैं आया हूँ और मेरे को महीना हुआ अभी आए को यहाँ पर, मैं पूरा समझ लेता हूँ, कर लेता हूँ, उसके बाद में जो भी काम है मैं आपका काम करके दूंगा। और जो है कि नागपुर के अंदर में ड्राइवर लोगों को जो परेशान करते बॉर्डर में, ड्राइवरों को जो परेशान करते हैं, अब सावनेर बॉर्डर हो गया, देवरी बॉर्डर हो गया, कांदरी बॉर्डर हो गया, पांडरकोला बॉर्डर हो गया, जो भी बॉर्डरों पे हमारे ट्रक गाड़ियां जाती है भाइयों की या कोई भी हर स्टेट से गाड़ियां आती है, हर गाड़ी से 500-1000 रुपए लिया जाता है रोज का। कम से कम एक बॉर्डर से इनको 1 से 1.5 करोड़ रुपए आता है, 4 बॉर्डर है। उसके ऊपर में नागपुर के अंदर में जो रेती की गाड़ियां चलती है इनसे हर गाड़ी से 11,000 रुपया लिया जाता है महीने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है कि और गाड़ी कोई भी नहीं चलने देना चाहिए। ऐसे 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट, उल्टा सुप्रीम कोर्ट का ये पालन ना करते हुए उल्टा इन्होंने और रिश्वत बढ़ा दी है। जो पहले 2000 चलती थी अभी 11000 गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये डर बताते हैं। जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं नागपुर के अंदर में, जो 1 टन की है, 1.25 टन की है, अगर उसके अंदर में 100-200 के जो ज्यादा हो जाता है उनसे गाड़ी वालों से 25,000-24,000 का फाइन लेते हैं और उसके बाद में वो गाड़ी वालों को महीना बांधते हैं। तो एक गाड़ी छोटी गाड़ी उसका 2000 का चक्कर नहीं रहता, उससे 5,000-6,000 रुपए महीना एक गाड़ी से लेते, इनको महीने का 8 से 10 करोड़ रुपए आता है। 8 से 10 करोड़ रुपए इनको महीने का आता है। और मेरा ये कहना है कि इनकी CBI ED इनके ऊपर में रेड जो रिटायर हो गए हैं ऑफिसर उनके ऊपर भी होना चाहिए, इनके ऊपर भी होना चाहिए। एक RTO इंस्पेक्टर महीने का 20 से 25 लाख रुपए कमाता है, जो कि कोई भी नहीं कमा सकता। हमारा ट्रेड एक ऐसा है कि एडवांस में टैक्स भर के गाड़ियां चलाता है और जो टैक्स भरते हैं उसकी वजह से ये पूरा देश चल रहा है। और ये जो देश चल रहा है और जो जो हमारी ट्रक लाइन है ये रीढ़ की हड्डी है, अगर ये टूट गई तो पूरा देश थम जाएगा। ये समझने में नहीं आ रहा इनको और इनको बार बार हम समझा रहे हैं। अगर हमारे ट्रक RTO में आते हैं तो RTO चलता है, अगर ट्रक नहीं आएंगे तो RTO कहां से चलेगा? ये समस्याओं को लेके अभी यहां अभी ये समस्याओं को लेके हम मेन RTO साहब क्या आश्वासन, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भैया आपको, उन्होंने बोला है कि आपको जो भी परेशानी है उसका, परेशानी का जो भी आप सामना कर रहे हो मेरे को समझने को टाइम लगेगा, मैं समझ लेता हूँ, समझने के बाद में जो भी है मैं उसके बारे में करता हूँ और 2-4 दिन में आपका काम हो जाएगा। अगर ये हमारे को इन्होंने आश्वासन दिया, अगर काम नहीं हुआ तो हम इसका आंदोलन RTO को घेर लेंगे, पूरे तीनों RTO घेर लेंगे शहर के और इनकी CBI ED इनकी CID जांच कराना चाहिए,
इनको ये बोलते हैं कि हमारा पैसा ऊपर मिनिस्टरों तक जाता है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और इनकी ड्यूटी रहती है 8 घंटे की, एक आरटीओ 8 दिन ड्यूटी करता है बॉर्डर के ऊपर में, सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी 8 घंटे की है, 8-8 दिन करते हैं। और 5 लाख रुपया बॉर्डर पे ड्यूटी में एक इंस्पेक्टर देके जाता है कि जो 8 दिन के अंदर में 25 से 30 लाख रुपया कमा के लाता है एक आरटीओ। तो मेरा कहना यह है कि इनके लिए इनका काम कैसा है कि 10 बजे ऑफिस में आना चाहिए, 8 बजे जाना चाहिए, कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा, छुट्टी पे है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट वाले जो गाड़ी लेके आते हैं यहाँ कैसे काम होता है? यहाँ काम बराबर से काम नहीं हो रहा, यहाँ काम बराबर होता नहीं है। कोई भी काम लेके आते हैं, नमी भी गाड़ी लेके आएंगे तो ये कोई ना कोई मिस्टेक निकाल के, 10,000 रुपए की मांग होती नहीं, इनका पैसा खाने का मुद्दा है, ये पैसा खाने का चक्कर है। और ये एक एक गाड़ी से भी 2-2, 4-4 हजार भी लिए तो यहाँ भी बैठता है, जो अंदर आदमी बैठता है रोज का 1-1.5 लाख रुपए लेके जाता है। और एक अभी इसके पहले सड़क साफ थे, वो तो कुछ देखते नहीं थे, गाड़ी का चेचिस नंबर है कि इंजन नंबर है, बराबर है कि नहीं, कुछ क्या हो गया, तो वो तो 50,000 लिए, 70,000 रुपए लिए, साइन मारे, प्रॉब्लम वहीं से आया। इनके 9 अधिकार अभी सस्पेंड हुए आरटीओ के, वो होने की वजह से अभी ये काम करने को डर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि इन्होंने गलत पैसे लेके गलत काम किए हुए हैं, जो गाड़ी गलत है काई के लिए। हमने तो एक ही बात बोला, लीगल काम है करो, अनलीगल काम करना नहीं, अनलीगल काम का हम साथ देंगे नहीं। स्टैंप पेपर लाओ, उस पर मैं साइन मारता हूँ, अगर कुछ भी कोई करेगा 420 मेरे पे लगा के मेरे को अंदर करा देना। अरे अनलीगल काम मत करो, लीगल काम करो, ये लीगल करने को भी तैयार नहीं है। मेरा यही कहना है, ट्रांसपोर्ट एकता। नमस्कार, ह्याच्यामध्ये आपल्याकडे ट्रान्सपोर्टर काही आलेले होते, त्यात काही ट्रान्सपोर्ट संघटनेचे कुक्कू मारवाजी, इतर 2-4 त्यांचे ट्रान्सपोर्टरचे सदस्य मेंबर्स सगळे आलेले होते। त्यांच्या काही मागण्या होत्या की जसे काही कामं होत नाही आहेत RMA वगैरेच्या संदर्भात, तर त्या संदर्भात त्यांनी त्यांची मागण्या सांगितल्या। त्याच्या माझ्या कार्यालयामध्ये जे शासकीय कार्यालय आहे त्याच्यामध्ये लर्निंग लायसन्सपासून ड्रायव्हिंग टेस्ट आहेत, गाड्यांची फिटनेस आहेत, न्यू रजिस्ट्रेशन आहेत, CRTवाल्या गाड्यांचे रजिस्ट्रेशन आहेत, आणि ट्रान्सफरचं काम आहे। तर हे सगळे कामं आणि खटला विभागाचं काम काय, हे सर्व काम सुरू आहे। ह्याच्यामध्ये काही ज्या बाहेरच्या राज्यातल्या गाड्यांचे जे काही प्रकरणं ह्या कार्यालयामध्ये ह्याच्यापूर्वी घडलेल्या आहेत, त्या अनुषंगाने आम्हाला वरिष्ठ कार्यालयाने काही स्क्रुटिनी दिलेली आहे, त्याच्यानुसार ती स्क्रुटिनी चालू असल्यामुळे काही लोकांचा रोष आहे। ह्यामध्ये काही सहभाग ज्या बोगस गाड्या आहेत त्यांच्या त्या जे काही व्यक्ती आहेत त्यांच्याकडून सुद्धा ह्याच्यामध्ये दबावाचा समावेश आहे। हे शासकीय कार्यालय आहे, ह्याच्यामध्ये कुठल्याही दबावाने कुठलंही काम होणार नाही याचं मी सांगतो। साधारणपणे जे इंडिव्हिज्युअल गाडी ओनर आहेत, स्वतः गाडी धारक आहेत, मालक आहेत, त्यांचे कामं हे जे सरळ काम आहेत ते सगळे कामं होतील आणि ते सुरू आहेत। माझ्याकडे पूर्ण 1 जुलैपासूनची आकडेवारी आहे। माझ्या कार्यालयामध्ये लर्निंग लायसन्स, MDL, ट्रान्सफर, न्यू रजिस्ट्रेशन, CRTM सर्व कामं सुरू आहेत। यातला फक्त RMA जो बाहेरील राज्याचा प्रकार आहे त्याची स्क्रुटिनी असल्यामुळे ते स्लो आहे। त्याच्यामध्ये स्क्रुटिनी जी आहे ती आम्ही करतो आहे। ज्या लोकांच्या फायली काही पेंडिंग आहेत त्या माझ्याकडे आलेल्या फक्त 10 फायली आहेत, त्याची स्क्रुटिनी सुरू आहे। कायद्याच्या चौकटीत त्याची चौकशी किंवा स्क्रुटिनी होऊन त्याचं होणारी केस असेल तर ती केल्या जाईल, आणि जी होणार नाही तर ती त्याला तसं लेखी स्वरूपात लिहून दिलं जाईल की हे होत नाही। आणि ह्याच्यामध्ये जर काही बेकायदेशीर काड्यांचा इन्व्हॉल्वमेंट असेल तर त्याच्यावर डेफिनेटली फौजदारी कारवाई केली जाईल। सर, टोल नाके पे भी पैसे को लेन देन को, बॉर्डर पे जो है पैसे को लेन देन को आरोप लगाया जा रहा है, उस पर भी क्या कार्रवाई होगी? याच्याशिवाय आपले काही प्रश्न आहेत का? इसके बाद में भी कुछ क्वेश्चन है आपके? नहीं, मला ह्याच्याबद्दल हे बोलायचं आहे की याच्या संदर्भात जे काही तुमची वेळोवेळी तक्रार असेल त्या अनुषंगाने कारवाई होईल। ठीक आहे, ठीक आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।